हेलो एंड वेलकम गाइस, टुडे वी विल स्टडी क्लास 11th इंग्लिश चैप्टर 1 ऑफ स्नैपशॉट्स नेम्ड एज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सरोयन। फ्रेंड, दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी कंपोज्ड बाय सरोयन। फ्रेंड्स, इन दिस स्टोरी देयर आर टू आर्मेनियन बॉयज नेम्ड एज अरम एंड मुराद हु बिलोंग्स टू अ गैरोग्लेनियन ट्राइब फैमिली। तो आइए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विथ समरी, विथ ओवरव्यू। हम करेक्टर लिस्ट को भी देखते चले आते हैं, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट एवर हैव बीन रिटन हियर शुड बी एक्सप्लेन बाय मी, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने में काफी सहूलियत रहेगी। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले करेक्टर को हम देखते हैं जो कि नरेटर है अरम। सबसे पहले अरम के बारे में देखते हैं। अरम के बारे में देखिए फ्रेंड, अरम कौन है? एक 9 साल का ओल्ड आर्मेनियन, 9 इयर्स ओल्ड जो है आर्मेनियन बॉय है। और वह कहां पे रहता है? सैन जोक्विन वैली इन कैलिफोर्निया। मींस अरम जो कि नरेटर है, पूरी शॉर्ट स्टोरी को नरेट कर रहा है, वो 9 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा है जो कि सैन जोक्विन वैली इन कैलिफोर्निया में रहता है। और साथ ही साथ फ्रेंड, इन द बिगिनिंग आई सेड इट क्लियरली दैट ही इज ए मेंबर ऑफ गैरोग्लेनियन ट्राइब। गैरोग्लेनियन ट्राइब की बात हो रही है फ्रेंड, तो गैरोग्लेनियन जो ट्राइब है ये गरीब होते हैं, मतलब इतना इनके पास पैसा नहीं होता है कि बड़ी चीज़ें खरीद सकें। चूंकि इस स्टोरी में व्हाइट हॉर्स के बारे में चर्चा की गई है, तो गैरोग्लेनियन फैमिली के जो लोग हैं इतने ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं है कि वह एक घोड़े को परचेज कर सकें, खरीद सकें, अफोर्ड कर सकें। ओके फ्रेंड, और ये जो गैरोग्लेनियन ट्राइब फैमिली है ये जानी जाती है, फेमस है, पॉपुलर है अपनी ऑनेस्टी के लिए और अपनी सच्चाई के लिए, है ना। ये ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, कभी भी किसी की चोरी नहीं करते हैं, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो अरम है नरेटर है, इसकी क्या है? एक ड्रीम है कि आज नहीं तो कल मेरी फैमिली तो हॉर्स खरीद नहीं सकती है, लेकिन मेरी एक ड्रीम है, उस ड्रीम को मैं पूरा करना चाहता हूं। इसकी इंटरनली एक ड्रीम है, दैट इज टू राइड हॉर्स, घोड़ी की सवारी करना, इसको इसका ड्रीम है, इसका स्वप्न है। तो बोलते हैं जिस चीज को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात लग जाती है उससे मिलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये जो इसकी ड्रीम हुआ कैसे फुलफिल्ड होती है, बाय द अटेम्प्ट ऑफ विच पर्सन, स्लोली स्लोली वी विल कम टू दैट पॉइंट। अब उसके बाद फ्रेंड, हम दूसरे आर्मेनियन बॉयज की चर्चा करते हैं, मुराद की, जो कि 13 इयर्स ओल्ड कजन है किसका? अरम का चचेरा भाई है। ये 9 साल का और ये 13 साल का है। ही हैड इंटेंस लॉन्गिंग फॉर हॉर्स राइडिंग टू। जिस तरह से अरम के अंदर एक इंटेंस लॉन्गिंग है, इंटेंस डिजायर है हॉर्स राइडिंग करने की, उसी तरह से उसके कजन ब्रदर जो कि 13 इयर्स ओल्ड है, उसके अंदर भी हॉर्स राइडिंग करने की एक इंटेंस लॉन्गिंग है, इंटेंस डिजायर है। ओके फ्रेंड्स, तो इन दोनों की इच्छाएं कैसे पूरी होती है धीरे धीरे हम ये समझ जाएंगे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब मुराद के बारे में एक स्पेशल पॉइंट है, क्या? हिज फैमिली बिलीव्स दैट, इसकी जो फैमिली है मुराद की वो ऐसा बिलीव करती है, दैट ही हैज इनहेरिटेड द क्रेजी स्ट्रीक, मतलब एक सनकीपन है, एक झक्कीपन है इसके अंदर, और यह झक्कीपन, यह सनकीपन उसको विरासत में किससे मिली है? अपने अंकल खोसरो से मिली है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मतलब अंकल खोसरो क्या है, इन दोनों के जो खुसरो जी है, इन दोनों के क्या है? अंकल है। ओके फ्रेंड्स, और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे खुसरो एक क्रेजी है ना, हाई क्रेजी और टेम्पर्ड मैन है, उसी तरह से मुराद जो है एक क्रेजी बच्चा है, एक पागल सा बच्चा, एक सनकी झक्की जैसा बच्चा है, जिसकी फैमिली ऐसा विश्वास करती है। ओके फ्रेंड्स, और यहां बताया गया कि मुराद इज नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली। जो गैरोग्लेनियन फैमिली है, दैट इज क्रेजी फैमिली, जिसमें खुसरो जैसे महान हस्ती पाई जाती है, महान झक्की बंदे पाए जाते हैं, उसका यह जो है प्राकृतिक वारिस है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
चूंकि इन दोनों बच्चों की एक प्रबल इच्छा थी कि हम हॉर्स राइडिंग करें, तो होता क्या है कि जो मुराद रहता है घूमते 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 है ना, जाता है तो एडजेसेंट विलेज में ये देखता है एक वाइट हॉर्स एक जगह बंधा हुआ देखता है और अकेले वो रहता है, तो वो क्या करता है उसको खोल करके उसको ले करके भागता है, घोड़े को लेकर के वहाँ चला जाता है, मतलब स्टीलिंग करता है, स्टीलिंग द हॉर्स, और उसको ले करके आता है, बीच बीच में सवारी भी करता है, उसकी सवारी करते हुए गिरते उड़ते जैसे भी होता है उसको ले करके आता है, फिर आ करके सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में अरम से अरम को बुलाता है, दरवाजे पर नॉक करता है, अरम उठो उठो, डू यू वांट टू राइड द हॉर्स, देखो मैं लाया हूँ, आओ चलो हम लोग राइडिंग करने चलें और अपने दिल की जो इच्छा है उसको पूरी करें। तो अरम देख करके यह सरप्राइज होता है, अरे इसके पास ये वाइट हॉर्स कहाँ से आ गया, हमारी फैमिली तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती वाइट हॉर्स, ये जरूर कहीं ना कहीं चुराया होगा। तो मुराद से बोलता है कि तुमने चोरी किया है, बोलता नहीं मैंने चोरी नहीं किया है, सब कुछ बात को छोड़ो, पहले घर से बाहर निकलो और चलो चलते हैं घूमने, है ना, हॉर्स राइडिंग करते हैं और अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो अरम भी उसके साथ चल दिया। तो चूंकि जो मुराद था, मुराद हॉर्स राइडिंग धीरे धीरे सीख गया था और कई दिनों से वो ऑब्जर्व भी कर रहा था हॉर्स राइडिंग प्रोसेस को, तो सीख गया था, वो वाइट हॉर्स की राइडिंग कर पा रहा था, घुड़सवारी कर पा रहा था, लेकिन अरम चाह करके भी घुड़सवारी नहीं कर पाया। जब भी वह बैठता घोड़ा उसको पटक देता वाइन पे, है ना, वाइन पे उसको पटक दिया करता था, तो जिसके वजह से ये तो हॉर्स राइडिंग कर पाया लेकिन ये नहीं कर पाया, और छोटा भी था बच्चा, ये 9 साल का था, 13 साल का था, बड़ा था, इस सीख गया। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब उसने उस घोड़े को चुराया तो इस दोनों की इच्छा थी कि कई दिनों तक हम इस घोड़े को अपने पास रखें और अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करें। तो दैट्स वाई उसने क्या किया, ही कीप्स द हॉर्स हिडन इन ए बार्न फॉर ओवर अ मंथ, मीन्स हफ्तों तक, लगभग एक महीने तक उसने चुराए गए घोड़े को खलिहान में रखा और बांध करके अकेले छुपा करके रखा। सुबह सुबह दोनों चल देते थे, जब भी मौका पाते थे हॉर्स राइडिंग करते थे, इंजॉय करते थे, खलिहान में छुपा करके रखे थे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड तीसरे इंपॉर्टेंट करेक्टर जिनका नाम है खोसरो। नाम से देखिए लग रहा है खोसरो, है ना, लगता है इनको खांसी हो गया है। ये क्या है, एक टॉल मैन है, आप फ्यूरियस इन टेम्पर, फ्यूरियस इन टेम्पर मतलब ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठंडा आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इरेटेटिव उत्तेजित नेचर के हैं, और इम्पेशेंट मैन मतलब इनके अंदर धैर्य है ही नहीं, अधैर्यवान व्यक्ति हैं। ओके फ्रेंड्स, इन द गैरोगलियन फैमिली ही वॉज ट्रू एयर ऑफ क्रेजी स्ट्रीक, जैसे मैंने आपको बताया कि गैरोगलियन फैमिली के डिसेंड माने गए कौन, मुराद, है ना फ्रेंड, और मुराद के अंदर जो एक अलगपन था, है ना, क्रेजीनेस था, वो कहीं ना कहीं उसको अपने अंकल खुसरो से विरासत मिला था। और अंकल खुसरो जो हैं ये क्या थे, सच्चे उत्तराधिकारी थे किसके, क्रेजी स्ट्रीक की। ओके फ्रेंड, और ही स्टॉप्ड एवरी, वो इतने खतरनाक थे कि उनके सामने कोई बोलने की जरूरत नहीं कर सकता था, यदि कोई बोलता ना तो हम दहाड़ के बोलते थे। क्या बोलते थे फ्रेंड्स, इट इज नो हार्म, अरे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दो, अरे क्या नुकसान होगा, फालतू परेशान रहते हो, एकदम गुस्सा करके बड़ा लंबा मूछा ऊछा रखे रहते थे, एकदम किसी को बोलने नहीं देते थे। यहाँ तक कि एक बार इनके घर में आग लग गई, इनका बच्चा आके बोलता पापा पापा आग लग गई, बोलते हैं नो प्रॉब्लम, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, डोंट पे अटेंशन टूवर्ड्स दैट, है ना। ही सेड इट व्हेन हिज ओन हाउस वाज बर्निंग, मतलब जब उनका घर जल भी गया तब भी उन्होंने यही सेंटेंस बोला, क्या हर्म हो गया, क्या नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी, है ना फ्रेंड, डू नॉट पे अटेंशन टूवर्ड्स देयर। उसके बाद फ्रेंड हम बात करते हैं जॉन बैरो की। जॉन बैरो जो हमारे फोर्थ करेक्टर हैं, और इन्हीं का असली घोड़ा था जिसको मुराद ने चुराया था, है ना फ्रेंड्स। तो आखिर जॉन बैरो है कौन, इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं फ्रेंड्स। एन एसीरियन फार्मर है, मतलब पेशे से, प्रोफेशन से एक किसान है, एंड फ्रेंड ऑफ गैरोगलियन फैमिली, और साथ ही साथ गैरोगलियन फैमिली जिस फैमिली से अरम और मुराद और खुसरो जी बिलोंग कर रहे हैं, उसी फैमिली से ये भी बिलोंग, मतलब उसी फैमिली से इनका गुड रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंड है गैरोगलियन फैमिली के, एंड ऑनर ऑफ वाइट हॉर्स है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ देखिए फ्रेंड, जब ये अपने घोड़े को देखते हैं कि कई हफ्ते बीत गए इनका घोड़ा इनको मिला नहीं,
तो खोजते 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 एडजेसेंट विलेज में गैरुलियन फैमिली में आते हैं, मिस्टर खुसरो के पास बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, बोलते हैं यार मेरा घोड़ा वाइट हार्स बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो खुसरो जी बोलते हैं, अरे यार डोंट वरी यार, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, लेट इट बी। और दोनों चल देते हैं साथ साथ, बोलते बतियाते आगे आगे जाते हैं। तो आगे जा कर देखते हैं, है ना, जाते रहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले एक बात मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि जैसे जब वो बात कर रहे थे खुसरो से अबाउट हिज हॉर्स, तब अरम ने सुन लिया था कि ये जो करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं घोड़े का, वो कहीं ना कहीं वो जो मुराद जो घोड़ा रखा है ना, मेरा जो भाई रखा है कजन, वही घोड़ा है, कहीं ना कहीं मेरे भाई ने ही चुराया है, तो मुझे इतला कर देना चाहिए, है ना, कहीं ये देखने ना पाए ना, तो फिर से चला जाएगा घोड़ा, तो हम दोनों हॉर्स राइडिंग नहीं करने पाएंगे। तो अरम जा करके जल्दी जल्दी जा करके खलियान में जाता है और मुराद को बतलाता है कि इसका जो असली ओनर है वो आ गया है, हमारे चाचा के पास खुसरो जी के पास बैठ के बातें कर रहा है, है ना, चलो इसको छुपा देते हैं कहीं। लेकिन जब ये खुसरो से बातें कर रहे थे जान बैरो, करते करते खुसरो बोले यार इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, बोलते बोलते झक्की तो थी, लेकर के चल दिए खलियान की तरफ। और उधर जो है अरम और मुराद घोड़े को बांध रहे हैं, छुपा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तब से पहुंच गए। और जान बैरो ने देखा उसको, उस घोड़े को देखे, बोलते बाबा ये तो घोड़ा एकदम बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा लग रहा है, एकदम जेरोक्स लग रहा है, फोटो कॉपी लग रहा है, एकदम सेम है, हुबहू है ना, ये घोड़ा मेरा होना चाहिए। लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उस घोड़े को कौन पकड़ रखे थे, वो दो बच्चे पकड़ रखे थे, दो आर्मेनियन बच्चे अरम और मुराद पकड़ रखे थे, और वे ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, अपनी सच्चाई के लिए जानी जाती है, और कभी चोरी नहीं कर सकती है। मतलब जब वो उन्होंने अपने वाइट हार्स को देखा तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ, उनका हार्ट बोल रहा है कि नहीं ये तुम्हारा ही घोड़ा है, लेकिन वह माइंड से एडजस्ट नहीं कर, माइंड से जो है कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, उनका माइंड बोल रहा है कि नहीं, मतलब देयर वॉज डिफरेंस इन हार्ट एंड माइंड वाइसेस। तो इनको लगा कि हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घोड़ा नहीं होगा, यहाँ तक कि उनको शंका तो हो रहा था, तो घोड़े का आँख हो बॉडी सब जगह देखे, यहाँ तक कि मुंह खोल कर उसके दांतों को भी देखे, अरे दांतों की जो अरेंजमेंट है वो एकदम मेरे घोड़े जैसी है, यदि ये बच्चे नहीं पकड़े होते ना तो डेफिनेटली ये मेरा ही घोड़ा है। तो आइए देखते फ्रेंड्स, व्हेन ही सॉ द वाइट हॉर्स विद अरम एंड मुराद, जब उन्होंने देखा, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी इट वाज द सिमिलर टू द मिसिंग वन, मेरा जो घोड़ा मिसिंग है एकदम उसी के जैसा है, सिमिलर है। बट इन हिज हार्ट ही कुड नॉट डाउट द ऑनेस्टी ऑफ द बॉयज, उस बॉय की ऑनेस्टी पर विश्वास नहीं कर सकते, कुड नॉट बिलीव, ट्रस्ट नहीं कर सकते थे कि रियल में ऐसे बच्चे कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। हिज हार्ट्स दैट हैड डिसअपीयर, और साथ ही साथ फ्रेंड्स जब उनको लगा कि नहीं ये मेरा नहीं होगा, तो अंकल खुसरो के साथ घूमते घूमते फिर बोले कि बाय, आई एम गोइंग टू माई होम, तो उनको बाय करके वो अपने घर चले गए। फिर अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन देखते हैं कि उनका घोड़ा जो है जहाँ पर पहले बंधा था आज वहीं पर बंधा हुआ है, देख करके अपने घोड़े को काफ़ी खुश होते हैं, और घोड़ा जो है पहले से ज़्यादा ताकतवर है, पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त है, और साथ ही साथ लो टेम्पर्ड हो गया, पहले हुआ क्या करता था, बहुत गुस्सा होता था, है ना, हिनहिनाता बहुत था, बहुत आवाज़ करता था, अभी बेटर टेम्पर हो गया है उसका, और साथ ही साथ बेटर हेल्थ हो गया है। तो ये देख करके काफ़ी खुश होते हैं। फिर रिटर्न में आ करके खुसरो बोलते हैं कि खुसरो को बोलते हैं, उनकी फैमिली को बोलते हैं कि मेरा घोड़ा मेरे को मिल गया, और मेरा घोड़ा पहले से जो है बेटर हेल्थ है उसका, और बेटर टेम्पर है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि इन बच्चों को एहसास होगा हो गया होगा कि हमने जो किया या मुराद ने जो किया वो गलत किया, तो पश्चाताप के रूप में उन्होंने जाकर उस घोड़े को वापस कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आरंभ के हिसाब से ये जो चोरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कोई पैसा नहीं चुराया था, इनफैक्ट दैट वॉज अ थेप्ट। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।